रिसेंटली मैंने एक जापानीज ज़ॉम्बी फिल्म देखी थी जिसकी एक्सप्लेनेशन रिसेंटली चैनल पर भी बहुत मुश्किल से आ गई है। और आज के इस वीडियो में भी मैं उसी फिल्म की बात करने वाला हूँ जिसका नाम है आई एम अ हीरो और जो सेम नाम के मांगा सीरीज पर बेस्ड है। जापान में ये मूवी काफी पॉपुलर तो है ही, साथ ही इसने कई बार अवार्ड्स को भी अपने नाम किया है, पर इस फिल्म में भी कई लूप होल्स हैं जिस वजह से मैं इसे कोई स्पेशल मूवी नहीं मानता, लेकिन एट द सेम टाइम काफी कुछ इसमें फैमिलियर भी लगती है तो वी कैन रिलेट टू इट। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे ये फिल्म बिल्कुल हमारे रियल लाइफ स्टोरी से सिमिलर है। तो चलो जानते हैं कि कौन से है वो तरीके जिससे हम ZQN वायरस को कमजोर कर सकते हैं, इसमें किस तरह के ज़ॉम्बीज हमें दिखते हैं, हम कैसे इन ज़ॉम्बीज यानी कि ZQN को मार सकते हैं, ZQN वायरस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और एज अ ज़ॉम्बी लवर मुझे ये फिल्म कैसी लगी। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मन बुद्धि बालक। अब इससे पहले कि हम लोग मेरी ओपिनियन को जाने कि आखिर ये फिल्म मुझे कैसी लगी, पहले हम ये जान लेते हैं कि इस फिल्म में कैसे वायरस है और किस टाइप के ज़ॉम्बीज हमें देखने को मिलते हैं और वो बाकी मूवीज में दिखाए गए ज़ॉम्बीज से कैसे डिफरेंट है। तो इस फिल्म में हम ZQN नाम के वायरस को देखते हैं जिससे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ZQN का मतलब जीरो क्वालिफाइड न्यूक्लियस होता है। वहीं ज़ॉम्बीपीडिया के अकॉर्डिंग ये डोक्यून का एक तरह का पोर्टमेंटो है। पोर्टमेंटो मतलब कि दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनना, लाइक ब्रंच। उसी तरह से डोक्यून का मतलब जापानीज में इडियट होता है, तो इसमें मूवी वालों ने ज़ॉम्बी का जी डाल दिया है तो ये ज़ोक्यून हो गया। खैर ये वायरस किसी भी पर्सन को माइंडलेस करके सुपर स्ट्रेंथ पावर से भर देता है। सिंपली ZQN वैसे ज़ॉम्बी लाइक क्रिएचर्स हैं जो किसी भी ज़ॉम्बीज की तरह ही ह्यूमन फ्लैश को कंज्यूम करने के पीछे पड़े होते हैं, पर बाकी ज़ॉम्बी से अलग इन ZQN में थोड़ा दिमाग होता है। व्हाट आई मीन कि ZQN कुछ हद तक इंटेलिजेंस और इमोशन को रिटेन कर सकते हैं और इवन तो ये किसी से भी बात नहीं कर सकते, पर इनके ब्रेन में ZQN बनने से पहले वाली लास्ट मेमोरी स्टोर्ड होती है जिसे ये लगातार रिपीट करते रहते हैं। लाइक फिल्म में हम देख सकते हैं कि जैसे ही हीडियो सुजुकी अपने घर जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उस पर अटैक करने आती है, पर उसकी गर्लफ्रेंड अपने दांत से दरवाजे को काटती है जिससे उसका दांत टूट जाए और वो हीडियो को ना काट पाए। मतलब उसमें इमोशन होता है और वो रिकॉग्नाइज भी थोड़ा कर पाती है, लेकिन चूंकि वायरस उसके ब्रेन को हाईजेक किए हुए होता है तो वो इतना करने के बावजूद भी हीडियो पर हमला कर देती है। उसी तरह हम इस फिल्म में एथलीट को देखते हैं जो हाई जंप करता और रनर होता है, वो उछल कूद करके सबको मार देता है। तो ZQN बनने के बाद भी इन्फेक्टेड पर्सन मेमोरी में स्टोर्ड लास्ट एक्शन को रिपीट करते रहते हैं, जैसे कि उनकी मेमोरी उस सिचुएशन पर ही फ्रीज हो गई हो, जिस वजह से इस फिल्म में हम ज़ॉम्बीज को बोलते हुए भी देख सकते हैं। पर ZQN के अंदर यानी कि ज़ोक्यून के अंदर किसी भी तरह का डर नहीं होता है, ना ही इनके अंदर कुछ सोचने की एबिलिटी होती है। ज्यादातर ज़ोक्यून काफी एग्रेसिव होते हैं जिसे नो मैटर व्हाट हैपेंस, पर अगर आप उनके सामने हो देन ही विल रन टुवर्ड्स यू। ये यूजुअली साउंड की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। और इनके बाकी सेंसेस काम करते हैं या नहीं इस पर ज्यादा डिटेल में इस मूवी में बात नहीं की गई है। इसके अलावा इसमें हमें रनर्स वॉकर्स दोनों ही तरह के ज़ॉम्बीज मिलते हैं। ज़ॉक्यून के सभी फीचर्स और एबिलिटी यूनिवर्सल ज़ॉम्बी कैरेक्टरिस्टिक्स से सिमिलर है, लेकिन फिर इनकी लास्ट मेमोरी यानी कि एक्शंस को रिपीट करने वाली चीज इन्हें अलग बनाती है। और फिर अगर इस ZQN वायरस में म्यूटेशन दिखे तो ये और भी काफी एबिलिटीज को अनलॉक कर सकते हैं, लाइक दूसरे ZQN से कम्युनिकेट करना जैसा आर्मी ऑफ द डेड में होता है, बिल्कुल एथलीट की तरह एक्रोबैटिक्स पावर आना और हाफ ZQN बनना बिल्कुल जैसी हिरोमी बनती है, विच इज सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन ऑल ऑफ अस आर डेड। तो एक हाम भी इसमें भी है जिस वजह से ये थोड़ी उससे सिमिलर भी है। वैसे अब ये बात करने से पहले कि हम इस वायरस को कैसे खत्म कर सकते हैं, हम वायरस के इन्फॉर्मेशन बैरियर को खत्म करते हैं ताकि हम ना सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि बाकी वायरस को लेकर भी एजुकेटेड रहें। और उसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। 70% लोग मेरी वीडियोस को देखते हो पर यार चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो ना सिर्फ वायरस को बल्कि ये गैप को भी हटाओ और चैनल सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर देना ZQN वायरस ताकि मैं समझ पाऊँ कि कौन कौन वीडियो को यहाँ तक देखते हो। तो अब ZQN वायरस की वीक पॉइंट्स को जानने से पहले ये कैसे स्प्रेड होते हैं इसको देखते हैं। तो बाकी वायरस की तरह ही बाइटिंग और ZQN फ्लूइड्स की तरह ही ये फैलते हैं, पर हम फिल्म में कई बार देखते हैं कि कैरेक्टर्स बड़ी ब्रूटली तरीके से ज़ॉम्बीज को मारते हैं और ज़ॉम्बीज के ब्लड भी उनके फेस पर आते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं होता। तो आई कांट कंफर्म कि ज़ॉम्बीज के फ्लूइड से कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं। इसके अलावा इस फिल्म में कभी भी ज़ॉम्बीज टर्म्स को यूज नहीं किया गया जो कि मुझे काफी वियर्ड लगता है, लाइक यार क्या दिक्कत है ज़ॉम्बी बोलने में। लेकिन नहीं, ऐसा ना सिर्फ इसमें बल्कि कई और मूवीज में भी हमने देखा है, लाइक मेज रनर या फिर शॉन ऑफ द डेड, और ऐसी ही लिस्ट की कमी नहीं है। तो आई थिंक कि इस चीज को जल्द से जल्द हटाना चाहिए और हमें कॉमनली ही ज़ॉम्बी टर्म्स को यूज करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, ZQN वायरस से इन्फेक्टेड विक्टिम्स पैनिक करने के बजाय बहुत माइनर सिम्टम्स शो करते हैं जिससे कोई इन्फेक्टेड है पहचान पाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, और जैसे जैसे ही ये ट्रांसफॉर्म होते हैं इन्हें ऐसा लगता है कि कोई इन्हें मार देगा।
मतलब इन पर डर हावी होने लगता है। धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होने वक्त गर्दन पर जो वेन्स होते हैं वो पिच डार्क कलर की होने लगती है और स्वेल हो जाती है। वहीं आंखों का कलर भी काफी बदल जाता है और प्यूपल्स भी छोटी बड़ी होने लगती है। इसके साथ ही इन्फेक्टेड लोग एक हाइपरमैनिक स्टेट में पहुंच जाते हैं और इसी मौके पर हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेजी से एक्सीलरेट करने लगती है और इससे लोगों की डेथ भी हो जाती है। अब इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का कोई भी तरीका नहीं और ना ही इसके कोई भी वैक्सीन अवेलेबल है, पर कुछ सर्कमस्टांसेस से ZQN में वैरायटीज हमें देखने को मिलती है। जैसे हम हिरोमी को देख सकते हैं कि वो फुली टर्न नहीं होती, वहीं कुछ इन्फेक्टेड लोग इस सिचुएशन में ही स्ट्रॉन्ग विल पावर के जरिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिले कर सकते हैं। इन ज़ॉम्बीज को मारने का बस एक ही तरीका है और वो है इनके हेड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, नहीं तो फिर ये भी हमला कर सकते हैं। वैसे ज़ॉम्बीज को खत्म करने की बात तो हम समझ गए, पर हम ZQN वायरस को कैसे खत्म कर सकते हैं ये जान लेते हैं। तो ZQN वायरस हाई एल्टीट्यूड पर सर्वाइव नहीं कर सकता है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वायरस बर्फीली जगहों में सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो अगर आप इंडिया में नॉर्थ में रहते हो या असम और सेवन सिस्टर्स से बिलोंग करते हो तो आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि ये ज़ॉम्बी वायरस आप तक नहीं पहुंचेगा, और पहुंचेगा अभी तो डोमिनेंट पर आ रहेगा। सो जस्ट स्टे देयर। एंड इट इज रियली ट्रू कि बर्फीले वेदर में ना सिर्फ ये ZQN वायरस बल्कि काफी सारे वायरस ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। और अगर बिलीव नहीं होता है तो कोरोना वायरस को ही देख लो। जब भी नवंबर से फरवरी का महीना होता है हमें कोरोना के सबसे कम केसेस देखने को मिलते हैं। तो ठंड में रहना इज मच बेटर इन एपोकलिप्स। और अगर ऐसा कोई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होता है तो बर्फीले जगहों में मूव हो जाओ, इससे ज़ॉम्बी वायरस से खतरा कई हद तक डेफिनेटली कम हो जाएगा। खैर अब चलो जानते हैं कि ये फिल्म मुझे कैसी लगी। तो जरूर ये मूवी मांगा सीरीज पर बेस्ड है और कई अवार्ड्स ये ऑलरेडी जीत चुकी है, लेकिन मुझे ये अनदर ज़ॉम्बी फिल्म नहीं लगी। मतलब कि इसमें कुछ भी बहुत अलग और न्यू देखने को हमें नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ पॉजिटिव नहीं है। पर पहले नेगेटिव पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो मुझे ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लगती है, मतलब कि इसमें काफी ज्यादा गोर सीन्स यूज किए गए जितनी आपको यूजुअली ज़ॉम्बी फिल्म्स में देखने को नहीं मिलती, और ये फिल्म मोर ऑफ अ स्लैशर जॉनर में फिट होती है जो शायद बच्चों के लिए सुटेबल भी नहीं है। इस मूवी में हमें ज़ॉम्बीज का एक अलग वेरिएंट देखने को मिलता है जिसके थ्रू ज़ॉम्बीज कुछ भी बोल सकते हैं जो यूजुअली ज़ॉम्बीज नहीं कर सकते। 2.25 घंटे की लेंथ होने की वजह से आई एम अ हीरो की पेसिंग बहुत ही ज्यादा स्लो लगती है, जिससे ये हमें लेंथी फील होती है। इसमें हीरो के अलावा हम किसी भी कैरेक्टर से कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाते, जो मुझे पसंद नहीं आती, क्योंकि एक अच्छी ज़ॉम्बी फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बीज को मारने से रिलेटेड नहीं होती, बल्कि कैरेक्टर्स कैसे बिल्डअप होते हैं और कितने कैरेक्टर से हम इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं वो काफी ज्यादा जरूरी है, जो ये मूवी लैक करती है। लेकिन कुछ चीजें इसकी काफी अच्छी है, वो है इसके लीड कैरेक्टर को ओवर द पीरियड डेवलप करना। हम फील कर पाते हैं कैसे एक नूब जिसके पास गन होती है पर वो गन से किसी को शूट नहीं कर पाता, एंड में किस तरह से उसके अंदर का ये डर खत्म हो जाता, और ये रिलेटिबिलिटी इसे काफी रियलिटी के क्लोज ले आती है। क्योंकि जब वाकई में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा तो इवन दो हमारे पास गन्स हो, हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो उसे यूज करने में हिचकिचाएंगे और किसी को भी शूट करने से डरेंगे, जैसा हीडियो इस फिल्म में करता है। तो इसलिए इवन दो इसमें कई ड्रॉबैक हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें हैं और काफी रियलिटी के क्लोज है, जिससे ये फिल्म मुझे एवरेज और डिसेंट लगती है। खैर आई एम ए हीरो मूवी के बारे में तो हम जान गए, पर अगर आपको फ्लेयर वायरस के बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।